Dear friends, if you are DDO or work on the behalf of DDO and it is your first time to log in on the NSDL website, then this video is for you. In this video, you will learn how you can reset your NSDL password first time on the website, and you will also learn which details of your NPS employees you can update online. Do subscribe my channel and share as more as you can. Browser ko open karne ke baad hum टाइप करेंगे एड्रेस बार में cra-nsdl.com। तो ये NSDL की जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो सब्सक्राइबर्स लॉगिन और दूसरा नोडल ऑफिसर या हम कह सकते हैं DDO's लॉगिन। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो हमें पासवर्ड जो है रीसेट करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे पास रीसेट पासवर्ड ऑप्शन जो है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन। ये उन DDOs या नोडल ऑफिसर्स के लिए है जिनका लॉगिन हो रहा था लेकिन वो पासवर्ड भूल गए होंगे, तो सीक्रेट क्वेश्चन के थ्रू वो अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो हमें इंस्टेंट सेट या रीसेट पासवर्ड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियो बटन को टिक करेंगे, फिर से दो ऑप्शन दिखाई देंगे, नोडल ऑफिस और जनरेट OTP। जनरेट OTP जो है ये अभी काम नहीं कर रहा है, मे बी इन फ्यूचर ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ यूजर आईडी हम टाइप करेंगे, यूजर आईडी NSDL रजिस्ट्रेशन नंबर होता है +00, यानी DDO का SGV जो नंबर है उसको आप 00 ऐड करेंगे लास्ट में, वो आपका यूजर आईडी बन जाएगा। यहां पे जो कैप्चा है वो हम ऐड करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये जो यहां पे डिटेल्स मांग रहा है ये सारी डिटेल्स आपको कंसर्न ट्रेजरी देगी, या अगर कोई और DDO है जिसको लॉगिन हो रहा है तो वो भी आपको ये डिटेल्स दे सकता है। दोस्तों ये जो डिटेल्स है इसमें आपको दो चीजों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, वो है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और पिन कोड। ये दोनों एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, अगर इनमें थोड़ा सा भी एरर आएगा तो ये डिटेल्स आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो डिटेल्स यहाँ पे हम एंटर करेंगे। पहला जो है एंटिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, वही DDO NSDL रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बट विदाउट 00। 00 लगाने से यूजर आईडी बन जाता है और विदाउट 00 एंटिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। नेक्स्ट जो है नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन में DDO की डिजिग्नेशन लिख सकते हैं, जैसे अगर हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिख सकते हैं, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख सकते हैं, और मिडल और लास्ट नेम जो है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद है डेजिग्नेशन, अगर DDO हेडमास्टर है तो आप सीधे अल्फाबेट H लिख सकते हैं, या प्रिंसिपल है तो सीधे अल्फाबेट P लिखेंगे यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे ये लिखेंगे। उसके बाद है ऑफिसिटी, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है, ये मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद है दोस्तों ईमेल एड्रेस फॉर पिन मेलर, यहाँ पे आप वो ईमेल एड्रेस देंगे जिसपे आपको NSDL मेल कर सकता है कि हाँ आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया है, तो अपना वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे हम। उसके बाद है दोस्तों पिन कोड, पिन कोड आप वही डालेंगे जो डिटेल्स पे होगा जो आपने ट्रेजरी से हासिल की होंगी। उसके बाद है न्यू पासवर्ड, हम न्यू पासवर्ड रखेंगे, आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा पासवर्ड @1233। आप घबराइएगा मत, पासवर्ड रीसेट होने के बाद आप फिर से आपको एक मैसेज आएगा, ये जो पासवर्ड है ये आप चेंज कीजिए, तो उस टाइम हम ये चेंज कर सकते हैं। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों उसके बाद एक पॉपअप विंडो आएगा यहाँ पे, तो आप क्लोज कीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये डिटेल्स आएंगी, तो यहाँ पे आप इसको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आप ये जो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ रहा है आप इसका प्रिंट आउट निकाल के कंसर्न ट्रेजरी पे सबमिट करेंगे। कंसर्न ट्रेजरी आपका जो एक्नॉलेजमेंट है इसको वेरीफाई करके ऑनलाइन आपकी पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होने के बाद आपको पिन मेलर पर एक मेल आएगा कि आपकी जो पासवर्ड रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए प्रिंट आउट निकाल, प्रिंटर का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे आप और प्रिंट आउट निकालेंगे। अब पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट को अप्रूव होने के बाद अब हम फिर से
यहाँ लॉग इन करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट में रखा था, passwordord@123। अब कैप्चा को ऐड करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अब आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, पहले वो पुराना पासवर्ड डालेंगे passwordord@123 जो हमने डाला था। अब हम यहाँ नया पासवर्ड रखेंगे, अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया है। पासवर्ड को चेंज करने के बाद अब हम फिर से यहाँ लॉगिन करेंगे, पहले तो अपना यूजर आईडी डालेंगे और उसके बाद जो नया पासवर्ड हमने रखा है वो डालेंगे। कैप्चा को ऐड करेंगे यहाँ और फिर सबमिट। तो इस तरह से दोस्तों हम अब लॉगिन कर सकते हैं और हम जितने भी NPS एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनकी जो डिटेल्स है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो, KYC हो या पर्सनल डिटेल्स हो, ये सभी डिटेल्स ऑनलाइन ही अपडेट कर पाएंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि अगर किसी और DDO को लॉगिन हो रहा है तो वो भी आपको पासवर्ड रीसेट की डिटेल्स दे सकता है। उसके लिए DDO को क्या करना होगा, उसको लॉगिन करना होगा पहले और यहाँ जो आपको ये व्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे जाना होगा और यहाँ पे DDO व्यूज पे क्लिक करना होगा। DDO व्यूज पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज अब ओपन हो गया है। यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, DDO रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे वो DDO रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। DDO रजिस्ट्रेशन डालने के बाद हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे और उस DDO की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिर व्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं DDO का रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा, फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो डिटेल्स आ गई है, अब यहाँ लेफ्ट साइड DDO रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है ये शो हो जाएगी और यही डिटेल्स पासवर्ड रीसेट करने के टाइम सबमिट करनी होती है। तो इस तरह से आप ये जो पासवर्ड है अपना रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, ये जो CRA-NSDL.com है, इस वेबसाइट पे दोस्तों आप एम्प्लॉयज की विड्रॉल इनिशिएट कर सकते हैं या अगर आपके इंस्टीट्यूट में नया एम्प्लॉय आया है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए, या आप बैंक डिटेल्स को भी अपडेट यहां कर सकते हैं। और फर्दर जो बाकी डिटेल्स है जैसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो मैंने पहले ही बोला है, वो आप दूसरी वेबसाइट पे अपडेट कर पाएंगे। उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पे भी इसी तरह आप लॉगिन करेंगे और वो जो सारी डिटेल्स है अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए कि NPS एम्प्लॉयज की कैसे हम ऑनलाइन डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और डिसलाइक भी मत करना। थैंक यू दोस्तों, बाय।